डेमोक्रेसी के सबसे बड़े त्योहार यानी इलेक्शन में एक आम आदमी को वोट डालने से रोका जा रहा है, जबरदस्ती नहीं डालने दे रहे हैं। कह रहे हैं घर को जाओ, पर्ची नहीं बना के दे रहे हैं। ये वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं जो इनके लोग हैं समाजवाद वाले। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। अभी हम मौजूद हैं रामपुर में और रामपुर में ये डिग्री कॉलेज चौराहा है जहाँ पे यहाँ से कुछ दूरी पर वोटिंग पड़ रहा है। यहाँ पे ये आरोप है लोगों का कि यहाँ पे जो वोट देने से रोका जा रहा है। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सुरैया है मेरा नाम। तो आप लोग वोट देने से रोका जा रहा है, क्या बोले? पहचान पत्र लेकर आओ। हम आधार कार्ड लेकर आ गए, दो आईडी लेकर आओ। आपके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, फिर इनको देखा जा रहा है। पहचान पत्र हमारा घर पे रखा हुआ है, हमारा पहचान पत्र रखा हुआ है हमारा। कौन से पहचान पत्र बात कर रहे थे? दो आईडी, एक पहचान पत्र अच्छा और एक वोटर आईडी कार्ड। आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो मान्य है हमारा, आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है। हम लेके आ रहे हैं अभी। कौन रोक रहा है आप लोगों को? रोक रहे हैं फाड़ रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रही हमें ये बात। क्या बोले आप लोगों को? फाड़ दे रहे हैं क्या? जो लोग लेके आप भगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमी अहमद है सर। यहाँ प्रशासन बहुत परेशान कर रही है, यहाँ वोट पोल नहीं करने दे रही है बिल्कुल। किसी की पट्टियां फाड़े दे रहे हैं, किसी को आधार आईडी प्रूफ के वापसी करने दे रहे हैं, हर तरह से जुलम कर रहे हैं। कल देर रात से समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल अपने फेसबुक आईडी से लगातार ट्वीट कर रही थी और जो फेसबुक पोस्ट डाल रहे थे वो लोग प्रशासन मतलब उनको रोक रहा है, वोट डालने नहीं दे रहा है, उनके उनके लोगों को धमकाया जा रहा है। असीम राजा जो कल रात भर जो है एसपी ऑफिस के सामने धरने पे बैठे रहे। और क्या नाम है आपका? पहचान पत्र रंजन। आप अपना नाम? पहचान पत्र होते हुए भी नहीं डालने दे रहे हैं। आपके पास दोनों चीजें हैं? जी जी। आधार कार्ड भी है? जी जी। इनके पास ये आधार कार्ड भी नहीं डालने दे रहे हैं और इनके पास ये वोटर आईडी कार्ड भी है और इनके पास ये पकड़िए इसको पकड़िए और इनके पास ये जो है ये वोटर आईडी कार्ड भी है। ये मतलब जो है क्या अभी पुलिस में बिठाने जा रहे हैं? गाड़ी में बैठो जल्दी से, क्या तुम्हारा कुछ नहीं है? तो कुछ नहीं और क्या है? दोनों चीजें सही है, कैद में जाओ, बैठ जाओ। और ये इनका भी आधार कार्ड है और ये वो कह रहे हैं तो कह रही है गाड़ी में बैठो चलो। कौन बोला आपने? बड़ी वाली पुलिस जिनकी। चलिए मेरे साथ चलिए, चलिए आइए मेरे साथ चलिए, आप लोग जाइए देखते हैं कौन रुकते हैं। चलिए आप लोग देखते हैं कौन रुकता है। आइए देखता हूँ मैं कौन रुकता है। आइए आप लोग चलिए देखते हैं किस लोग रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इनके आरोप रहे हैं। देखिए इनके पास ये आधार कार्ड है, ये जो वोट डालने की पर्ची है, फिर भी इनको वोट डालने से रोका जा रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? ये क्या नाम है आपका? क्यों आप लोगों को रोका जा रहा? पत्र लेकर आओ, हम पहचान पत्र लेकर आओ। आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, देखिए अब मना कर रही है। क्या नाम है आपका? इनके नाम परवीन झा है। इनके पास ये वोटर आईडी कार्ड है और ये आधार कार्ड है और ये और ये जो पर्ची है जिसमें वोटर आईडी में इनका वोटर में नाम है। चलिए ये इनकी पर्ची है, आइए आप लोग। फिर भी अब इलेक्शन कमीशन अब यहाँ पुलिस किस चीज की मांग कर रही है कि जिससे इनको वोट डालने के दिया जाएगा जो ये डेमोक्रेसी के सबसे बड़े त्योहार में अपने पार्टिसिपेट करे। सर मनमानी कर रही है पुलिस वाले को, कोई अधिकार नहीं है हमारे। वोटर आईडी मेरे पास सब मेरी बीवी के पास है और पुलिस ने रोक लिया। यहाँ पे इतने लोग हैं अंदर, जब अपने कैमरा मैन को बोलूंगा, यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने लोगों को वोट डालने से रोका गया है। हो रही है सत्ता की मनमानी हो रही है। हमारा पर्सनल अधिकार है कि हम किसी को भी वोट दें, पर जबरदस्ती की जा रही है। आईडी प्रूफ है मेरे पास, ये इनके पास ये आधार कार्ड है, ये जब आईडी प्रूफ मान्य होता है ये वोट डालने के लिए इनकी पर्ची है। गाली बक के भगाया हमें दोनों को अभी यहाँ से कि आप वोट नहीं डालेंगे। सब ये मालूम डालेंगे क्या पता क्यों? मैंने कहा आपका क्या अधिकार, आप कौन होते हैं? अपनी गाड़ी घुमाइए देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे जो इनकी दबंगई है, जो इनकी गुंडा करती है, क्या देखती है वो कैमरे के सामने भी आती है। चलिए आइए देखता हूँ, आइए लाइट चलिए पुलिस, चलिए आइए लाइट चलिए देखते हैं। ये देखिए उधर पूरी पुलिस है जो इन्होंने अभी उनको कुछ देर पहले इनको रोका था, वो डायनासोर रोका था। आइए आइए हम इनके साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या लाइव वो लोग रोकते हैं क्या। फिर चलिए आइए चलिए देखते हैं। हाँ देखिए ये लोग कैमरे को देख करके फिर से अपने अपने गाड़ियों में बैठने लग गए। हमें वोट डालने नहीं दे रहे, ये लोग हमें वोट डालने नहीं दे रहे हैं और इन्होंने इस तरह से ये देखिए कैमरे देख करके लोगों को देख करके ये अपनी गाड़ी लेकर के धीरे धीरे निकलते बन रहे हैं। इन्होंने पूरी छावनी बना रखा है, एक आम आदमी के अंदर इतना डर बिठा रखा है। यहाँ पे रामपुर को इस तरह से बना रखा है कि आतंकवादी देश है रामपुर, जैसे लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी पैदा होते हैं यहाँ पे। अपनी यहाँ पे देखिए साई साहब है, इस तरह बात करते हैं।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? किस चीज के लिए इनको रोका जा रहा है? इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इनके पास क्या होना चाहिए जो नहीं है? किसने रोका? ये देखिए, यहाँ पे चौराहा है, पुलिस एकदम पूरी तरह से मुस्तैद है। इनका आरोप है और बाकी लोगों का आरोप था कि पुलिस इनको जो है वोट देने से रोक रही है। चलिए इनके साथ मचा रहा हूँ। हाँ, पुलिस का तो कोई अधिकार ही नहीं। चलिए देख रहे हैं, चलिए आपको हम लाइट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, किस लिए उनको रोका जा रहा है। चलिए चलिए, आप जो बने रहिए, यहाँ पे साथ बने रहिए। आप चलते हैं, अभी लाइट देखते हैं कि कौन से पुलिस। हाँ, क्या नाम है आपका? सरफराज साहब। डाल तो आया। क्या बोला उन्होंने? जबरदस्ती नहीं डालने दे रहे हैं, कह रहे हैं घर को जाओ, पर्ची नहीं बना के दे रहे हैं। चलिए, ये परेशान कर रहे हैं। आइए आइए, आपको लाइव दिखाते हैं जहाँ पे पोलिंग बूथ है, जहाँ पे लोगों की पर्चियां चेक होती हैं। देखते हैं वहाँ पे कौन रोक रहा है, कौन सी ताकतें हैं जो आम आदमी को वोट देने का अधिकार से वंचित कर रही हैं। पोलिंग बूथ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, पोलिंग बूथ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे वहाँ तक जाने का, घबराइए मत, घबराइए मत, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए ही आए हैं। पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दे रहे भैया। पत्रिका आपकी आवाज बंद करके ही रामपुर में आया है, हम आपकी बात करने के लिए ही आए हैं। आप बताइए क्या बात है, किस लिए आपको रोका जा रहा है, किस लिए आप निराश इतना आताश हैं? जाने दे रहे हैं, उधर को जाने दे रहे हैं आपको। ये देखिए, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े त्योहार यानी इलेक्शन में एक आम आदमी को वोट डालने से रोका जा रहा है। यही है यहाँ की रामपुर पुलिस की, यही है दबंगई, यही है उनकी जो गुंडागर्दी। क्या बोल रहे हैं? पर्ची फाड़ दी। देख लिए, यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय निवासी है उनका आरोप है किसी का पर्ची फाड़ा जा रहा है, किसी को जो वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। आइए आइए, चलिए आइए, बताइए कौन, किसने रोका आप लोगों? चलिए ये देखिए, लाइव है हम, आप बने रहिएगा, आप देखते रहिए कौन सी ताकतें हैं जो इनको अपने अधिकार, अपने वोट देने का अधिकार से कांस्टेबल ने रोक कर गाली बकर भगाया। बोले कांस्टेबल जाए, बताइए आईडी है तो। बोले आईडी नहीं, खराब है, चलिए भाग्य से। मैंने आपको नो के चेक करने वाले भाई, यहाँ पे खड़ो के रोड पे मेरी आईडी और ये सब चेक कर देगा, चेक करने का अधिकार है अंदर, जब मैं वोट डालूंगा। ये देखिए, यहाँ पे जो कुछ लोग इकट्ठे हैं, पहले हमारे सामने क्या सर 5 वोट डाल चुके हैं। हाँ, पहले मेरे हमारे सामने। हाँ, और जो है सीधा समाजवादी वाले यहाँ पर आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आरोप डाल चुके होते तो इनका जो है निशान कहाँ है? हमें कहा है का? ये वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं इनके लोग, गुंडागर्दी कर रहे हैं जो इनके लोग है, समाजवादी वाले लोग जो है, बीजेपी वाले, समाजवादी वाले। ठीक है, आपको पता मैं समाजवादी हूँ। ये कुछ लोग यहाँ पे जो नेता हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन किसका वोटर है, तो दबंगई से हम जो उसको वोट नहीं डालने देंगे। हाँ साहब, किस आईडी कमी है यहाँ पे इनकी, इनके पास क्या नहीं है? मैं बाइट नहीं दूंगा, आप हमारे। हाँ नहीं, आपसे मैं बाइट नहीं मांग रहा हूँ, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि इनका आरोप ये है कि मैं वहाँ गया वोट डालने के लिए, तो पुलिस हमको गाड़ी देकर भगा दिया। हमने नहीं भगा, तो वोट डाल जाइए, जाइए जाइए, आप वोट डालने जाइए। ये देखिए, यहाँ से मीडिया कैमरे के सामने इन्होंने किसी को नहीं रोका, अरे बाइक ढंग से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा। क्या नाम है आपका? शरीफ। यहाँ पे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है? जी, यहाँ पे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है? नहीं, वोट तो डाला जा रहा है सर, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको। नहीं, मैं वहाँ पे देखा उस चौराहे पे सबके पास आधार कार्ड था, वोटिंग आईडी कार्ड था, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से भगा जा रहा था। नहीं, यहाँ से तो किसी को, चलो यहाँ से नहीं रोका गया है, बस ये देखा अभी कैमरे के सामने, यहाँ पे इन्होंने उनको जाने दिया, लेकिन कुछ ही देर पहले इन्होंने वहाँ से डांग के भगा दिया था, ये उनका आरोप था। आगे के फेसबुक लाइव पे आप बने रहिए। कैमरामैन अंकुर के साथ मैं विकास, रामपुर से।